Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज का वीडियो होगा रिक्विल के प्रोडक्ट्स के बारे में. ये थे वो टॉप 5 प्रोडक्ट्स जिसके लिए आप में से मैक्सिमम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी. नाउ इनमें से पिट स्टॉप जेल पे ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने वीडियो किया हुआ है लास्ट ईयर, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी. अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो बचे हुए 4 प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है. और ताकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी नहीं हो, इसलिए मैं इन 4 वीडियोस को डिवाइड करूंगी 4 सेपरेट पार्ट्स में. तो हर प्रोडक्ट का रिव्यू आपको अलग अलग वीडियो में मिल जाएगा, जो अब से आने वाले कुछ दिनों में बैक टू बैक में अपलोड करूंगी. आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी दिस वन, विच इज रिक्विल अंडर आई क्रीम. ये एक 20 ग्राम्स की ट्यूब है जो आपको 550 रुपीज में मिलती है. दैट्स हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स. और इसके अंदर से आपको ये ट्यूब मिलती है जिसमें नोजल स्टाइल पैकेजिंग दी हुई है. तो ये वाले पोर्शन को आप या तो अपनी फिंगर टिप पे लेके हल्के से डैप डैप करके लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऊपर की तरफ से एक एक ड्रॉप छोड़ के उसको फिर आप अपनी फिंगर्स से लगा सकते हैं. नाउ टू बिगिन विद, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मुझे प्राइस से एटलीस्ट कोई शिकायत नहीं है एज सच, बिकॉज इट्स एन अंडर आई क्रीम. सो आपको सिर्फ एक ही ड्रॉप चाहिए होगी. इट्स गोइंग टू लास्ट यू फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months इजिली, अगर आप दिन में 2 बार भी लगाते हो तो. आई थिंक फॉर 550 रुपीज इफ इट वर्क, इट्स अ रियली नाइस क्रीम. बट डज इट वर्क इज द क्वेश्चन. सो सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू द क्लेम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है दैट इट्स गोइंग टू विजिबली रिड्यूस योर पेरियोर्बिटल डार्क सर्कल्स. सो पेरियोर्बिटल बेसिकली इस एरिया की जो डार्कनेस होती है उसको बोलते हैं. देन फाइन लाइन्स एंड क्रोज फीट. क्रोज फीट बेसिकली क्या होता है, जब हमारे ये वाले आई वाले एरिया में यहाँ पे जो हल्की हल्की फाइन लाइन्स आती हैं, रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं, उसको क्रोज फीट कहते हैं. एंड पफिनेस एंड आई बैग्स. सो लेट्स सी किस किस चीज पे ये काम करता है एंड what are the loopholes in this and what are the good parts of it. सबसे पहले तो ये सारी स्किन टाइप्स के लिए बना हुआ है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक भी है. नाउ इनका जो वन ऑफ द मेन जो हाईलाइटिंग इंग्रीडियंट्स होते हैं उसको जनरली यहाँ पे लिखते हैं ये लोग, बट मेन उसकी इफेक्टिवनेस पता चलती है हमें जब हम पीछे ये वाले इंग्रीडियंट्स में पढ़ते हैं कि उसकी जगह आती कहाँ है, कि उसका एक्चुअली अमाउंट सफिशियंट दिया भी हुआ है कि नहीं. नाउ इसके इंग्रीडियंट्स में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये कि मैक्सिमम जो इंग्रीडियंट्स दिए हुए हैं ये सारे प्लांट सोर्स्ड या प्लांट बेस्ड इंग्रीडियंट्स हैं, तो दैट्स अ नाइस थिंग. नाउ इसमें जो एक अच्छा इंग्रीडियंट है दैट इज किनोपोडियम कीनुआ सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि बेसिकली बहुत सारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स वगैरह होती हैं, उसमें बहुत यूज किया जाता है. इट इज सुपर रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स. ऑल्सो जब आप इसको यूज करते हैं इट रिलीजेस अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ कोलेजन सिंथेसिस इनसाइड योर स्किन, स्पेशली अंडर दिस एरिया. सो दैट्स अ रियली नाइस इंग्रीडियंट दैट दे हैव हियर, एंड द प्रोपोर्शन इज ऑल्सो मॉडर्न. Right, so that's going to definitely help. Another nice thing that it has is a lumiskin and a hyaluronic acid. Now you guys don't have to get me started on the benefits of that, but overall you guys know that it helps to restore your skin barrier function. Also it is super rich in vitamin C and E. Also isme bhi bahut sare essential fatty acids hote hain, to wo aapki skin lightening ke sath sath skin ki firmness ko badhane mein bhi bahut help karte hain. अगला जो काम का इंग्रेडिएंट है यहाँ पे दैट इज डायसिटल बोल्ड 9, जो कि बेसिकली बहुत सारे एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है. इससे आपकी स्किन की ल्यूमिनोसिटी भी बढ़ती है. ये एक तरह का टी बार्क एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये हमारी स्किन को लाइट भी करता है और उसकी फर्मनेस भी इम्प्रोवाइज करता है. द ओनली सैड बिट इज कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इज वेरी लो, लाइक समवेयर आई थिंक ये 11वां 12वां इंग्रीडियंट है. नेक्स्ट नाइस थिंग दैट इट हैज इज एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड 5. नाउ टेट्रापेप्टाइड 2, 3, 4 ऐसे टाइप्स के होते हैं, तो इसमें जो यूज किया हुआ है वो है एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड 5, जो बेसिकली आपकी स्किन की ल्यूमिनोसिटी को बढ़ाने के लिए, स्किन का लचीलापन जो होता है उसको बेटर करने के लिए, लाइक जिससे स्किन प्लम्प होती है और साथ ही साथ जो स्किन सेल्स होते हैं उसको और ज्यादा क्लोजली हेल्ड करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है. ये एक 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड है, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हैं एक सिंथेटिक पेप्टाइड होता है, जिसे बेसिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट टू इंक्रीज द फर्मनेस ऑफ द स्किन. इस पे भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं हुई हैं, काफी लिमिटेड हुई हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं उनका आउटकम काफी पॉजिटिव था लोगों में. लाइक रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि इस पे एक स्टडी हुई थी 20 वॉलंटियर्स के ऊपर, जो कि फॉर 60 डेज उनको बोला हुआ था ये अपनी स्किन पे लगाने को. बाय द एंड ऑफ ओनली 15 डेज उसमें से 70% से ज्यादा लोगों की जो अंडर आई सिचुएशन थी बेटर हो गई थी, उनकी डार्कनेस कम हो गई थी. एंड बाय द एंड ऑफ द एंटायर स्टडी फॉर 60 डेज ऑलमोस्ट 95% लोगों की जो अंडर आई सिचुएशन
थे वॉज गेटिंग बेटर और उनकी डार्कनेस भी काफी कम हो गई थी. बट देन अगेन इंग्रीडियंट बहुत अच्छा है लेकिन समवेयर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है काफी लो दी हुई है, तो ये भी अगर थोड़ी बढ़ सकती थी तो ज्यादा बेहतर था. देन द डाउन साइड टू दिस प्रोडक्ट इज अ लिटिल बैड थिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर इज दे हैव गॉट इथाइल हेक्साइल पामेटेट विच बेसिकली इज रैंकिंग वे अबव ऑन द इंग्रीडियंट लिस्ट. आई थिंक इट्स नंबर फोर्थ और नंबर फिफ्थ. नाउ ये एज सच कुछ उतना बुरी चीज नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली पोर क्लॉगिंग होता है तो इससे पोर्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं. नाउ दे आर ऑब्वियसली क्लेमिंग दैट इट इज नॉन कॉमेडोजेनिक एंड देन यूजिंग दैट इन सच हाई कॉन्सेंट्रेशन सो इट डेफिनेटली इज गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स अ लिटिल बिट. सो दैट इज वन थिंग यू माइट वॉन्ट वॉच आउट फॉर इफ यू हैव वेरी हाइपर सेंसिटिव अंडर आई एरिया. नाउ द फाइनल वर्ड. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका एप्लीकेटर इस तरीके का है तो लगाने में आपको काफी आसानी होती है और सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी आपकी दोनों आईज के लिए काफी होती है. कोई क्रीम नहीं होती जिसे आपको बहुत ज्यादा लगाना होता है, थोड़ा सा ही लगाना होता है. नाउ द टेक्सचर इज सच दैट इट डज लुक वेरी थिक फ्रॉम द आउटसाइड बट इट डज नॉट फील दैट थिक. इट इज वेरी लाइट वेट एंड बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाने वाला. एंड सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन नहीं होती जो मैक्सिमम लोग मुझे कॉमेंट करके पूछते हैं कि ये वाली क्रीम लगाने से हमें अंडर आई एरिया में जलन हो रही है, रेड हो जा रहा है, इचिंग हो रहा है, सेंसेशन हो रही है, क्या करें. इस क्रीम के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था. आप इसको पूरे एरिया में आराम से लगा लेते हैं तो भी आपको कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी. जस्ट बी माइंडफुल दैट यू आर नॉट रबिंग इट और मसाजिंग इट, यू आर जस्ट जेंटली प्रेसिंग इट डाउन योर स्किन. बी वेरी जेंटल, जस्ट हाउ यू ट्रीट अ बेबी स्किन, दैट्स हाउ यू गोना ट्रीट इट. सो माई फाइनल टेक इज ओवरऑल द फॉर्मुलेशन ऑफ द इनग्रीडियंट इज रियली नाइस बट बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी लो इट मेक्स इट स्लाइटली इनइफेक्टिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल जब आप बात कर रहे हैं कि पीरियोबिटल डार्कनेस वो बहुत ज्यादा डार्क होती है, वो बहुत जब तक कि अगर आप कोई बहुत पावरफुल इंग्रीडियंट्स यूज नहीं करते हैं वो लाइटन अप नहीं हो पाती आसानी से. बट अगर आपको सिर्फ पफिनेस और आई बैग्स का प्रॉब्लम है तो उसमें डेफिनेटली ये क्रीम काफी हेल्प करती है. विजिबली मैंने देखा है बहुत हेल्प करती है. बट आई डोंट थिंक कि ये फाइन लाइन्स या क्रोज फीट जो मैंने बताया इस एरिया की रिंकल्स और फाइन लाइन्स, आई डोंट थिंक इट इज दैट इफेक्टिव कि उसको ठीक कर पाए. उसके लिए आपको यू नो द थिकनेस एंड द रिचनेस इन द टेक्सचर दैट यू नीड टू कॉम्बैट समथिंग लाइक अ फाइन लाइन, आई डोंट थिंक इट हैज दैट. सो फाइन लाइन्स के लिए मैं कॉमेंट नहीं करूंगी एंड पीरियोबिटल डार्कनेस के लिए भी आई थिंक ओके ओके, बट फॉर पफिनेस एंड आई बैग्स डेफिनेटली येस. नाउ टू बी फेयर टू दिस क्रीम, फॉर एनी अंडर आई क्रीम टू वर्क, नॉट ओनली दिस वन बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने अंडर आई क्रीम जो यूज करी थी वॉज फ्रॉम मॉम्सको और उसके साल भर पहले मैंने मामा अर्थ की भी यूज करी थी. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कितने सालों में अंडर आई क्रीम्स के साथ, for them to work you know it's very important to follow a proper etiquette also जिसमें कि आप लोग जानते हैं आपको you know अगर आप stress लेते हो, अच्छे से सोते नहीं हो, smoke करते हो, lifestyle habits आपकी खराब है, अच्छे से आप खाना नहीं खाते, खुद को internally hydrate नहीं रखते, पानी वगैरह नहीं पीते, तो फिर कोई भी cream कितनी भी effective हो वो काम नहीं कर पाती. but once you have these habits aligned and then you incorporate an under eye cream then you tend to see good results also. so you will also see a lot of people complaining about the same cream but a lot of people appreciating the same cream also. so to be very fair to this cream I would say ke iske ingredients and formulations and everything is really nice provided agar aap apne liye acche habits incorporate karoge aur uske sath aap isko combine karoge then you might see good results also. that's it for this video guys. I really hope ye video aapke liye useful tha. agar tha to video ko like kare, channel par naye hai to subscribe kare. main aapko bahut jaldi apne agle video mein milungi. tab tak ke liye take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.